Assalamu alaikum, Ababil 1 English language course. I hope you're all doing well. I welcome you to your another session. Today we are going to focus on the modal auxiliary verbs jo humne last session mein start kiye the, day 1 tha. So this is day 2 for your modal verbs. Agar aapko kahin pe koi confusion ho rahi hai, kahin pe koi point clear nahi hota, you can ask me and I'm going to respond. I hope the screen and the voice both are clear. So let's start. आज हम देखेंगे auxiliary verbs will से start करेंगे. ये हैं modal auxiliary verbs. और modal auxiliary verbs वो verbs होते हैं जो कि sentence में कभी independently नहीं आते. इनको हमेशा एक main verb की जरूरत होती है. Will जो है वो modal auxiliary verb है जो कि एक ऐसा action show करता है जो कि future में expected होता है. हमने फ्यूचर टेंसेस किए हैं और मैंने आपको बताया है कि जब आप फ्यूचर टेंस करते हैं तो आपको फ्यूचर की इंडिकेशन ये याद रखनी है कि फ्यूचर में हमेशा विल यूज होता है. अब विल किन सिचुएशंस में यूज होता है? विल जो है वो यूज होता है स्टेटमेंट्स में जिनका ताल्लुक फ्यूचर से होता है. दैट हैव टू डू विद द फ्यूचर. दैट हैव टू डू विद द फ्यूचर मीन्स कि जिनका ताल्लुक फ्यूचर से होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैथ्यू विल हैव अ मीटिंग दिस आफ्टरनून. आई विल बी ट्रेनिंग 20 I will be turning 20 next month. So an action that is about to happen in the future or an action that will happen in the future. So what do we use? We use the modal auxiliary verb will. Will जो है वो आपको future के बारे में बताता है कि future में कौन सा action, कोई भी action जो है वो होने लगा है तो आप will use करेंगे. Matthew will have a meeting this afternoon. So this sentence tells us that in the future Matthew कि जो है एक मीटिंग होने वाली है. सो मैथ्यू विल हैव अ मीटिंग. नेक्स्ट, आप विल के सिचुएशन में यूज करते हैं. आप विल यूज करते हैं अराइवल्स को बताने के लिए. साशा विल बी अराइविंग एट द एयरपोर्ट एट 3 PM ऑन मंडे. बिकॉज अपकमिंग एक्शन होने वाला है इन द फ्यूचर. सो यू विल यू यूज विल फॉर दैट. दैट समबडी विल बी अराइविंग और समबडी विल बी कमिंग और समबडी विल बी reaching, right? So आप future arrivals के बारे में बात करते हैं तो आप will use करते हैं. Will आप use करते हैं immediate और spontaneous actions या decisions के लिए. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप एक ऐसा action जो अभी अभी आप करने लगे हैं in the next minute in the future आप will use करते हैं क्योंकि ये spontaneous होता है. quick स्पॉन्टेनियस होता है एकदम यकदम. मतलब फौरन आपका कोई डिसीजन आपने लिया है तो उसको उसके बारे में बात करने के लिए आप विल यूज करते हैं. आई विल गो एंड सी व्हाट्स हैपनिंग. फॉर एग्जांपल, इन द नेक्स्ट रूम माय किड्स आर मेकिंग नॉइज एंड बहुत शोर हो रहा है और दे आर जंपिंग एंड दे आर मेकिंग नॉइज और मैं अपना काम कर रही हूँ और मैं मुझे डिस्ट्रैक्शन हो रही है और खेलते खेलते एक बच्चा जो है ना वो रोना शुरू हो गया. So now I am thinking के ये क्या हो गया. So what I say is I will go and see what's happening and then I get up and I leave and I go into the next room in order to see that why the kids are crying. So I will go and see what's happening. ये immediate action लेने के लिए मैंने ये structure use किया. I will have an orange juice. So I will have an orange juice now in the next minute. So immediate action. They will see you now. For example, आप जो हैं वो एक इंटरव्यू के लिए गए हुए हैं और आप वहाँ पे उनका जो मेन हॉल है वहाँ पे वेट कर रहे हैं और आफ्टर 30 मिनट्स और आफ्टर 1 hour the you know manager or whoever the assistant or whoever he comes and they tell you that now this is your interview time. They will see you now. तो आप फिर उठते हैं और आप इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन कि विल आप यूज करते हैं जब आप स्पॉन्टेनियस डिसीजन या स्पॉन्टेनियस एक्शन लेने लगते हैं और आपने उस पर एक्ट करना होता है फौरन. सो फिर आप विल यूज करते हैं. विल इज यूज्ड व्हेन वी आस्क समवन टू डू समथिंग फॉर अस. सो विल का ये भी यूज है कि जब आप किसी से कोई बात करते हैं कि आपके लिए वो ये कर देगा या कर देगी तो यू यूज विल. विल यू टेल एना that I'm waiting for her at dinner? Will you print out my assignment? Will the team copy these files? So will is used when we ask someone to do something for us. जब आप किसी से कोई question करते हैं, कोई request करते हैं in order to make him do something for you.
विल जो है वो प्रोमिसेस, सेंटेंसेस और प्रेडिक्शंस के लिए यूज होता है. प्रेडिक्शन क्या होता है? फोरटेल करना, पेशेंट गोई करना. व्हेन यू आर टेलिंग समथिंग अबाउट द फ्यूचर, आई विल वेट फॉर यू, वेल आई विल वेट फॉर यू, आई विल ऑलवेज रिमेम्बर यू, प्रोमिसेस या नॉर्मल बेसिक अफर्मेटिव प्लेन सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स. Anna will come and help you in home chores. Tony will tell you the truth. So when you're talking about future and action that has to happen in the future, so you use these kinds of statements. अच्छा जी, हम मैं आपको एक session में three conditionals के बारे में बताऊंगी. Conditional sentences वो sentences होते हैं जिसमें कोई condition present की जा रही होती है कि अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता. और conditional sentences में हम हमेशा if use करते हैं. If क्लॉज यूज करते हैं, और क्लॉज जो होता है वो क्लॉज जो कि इफ से स्टार्ट होता है. और उस क्लॉज में क्लॉज, व्हाट इज अ क्लॉज? क्लॉज बेसिकली एक ऐसा पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जो कि जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है. जब उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है तो वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और जब उसमें वर्ब मिसिंग होता है या सब्जेक्ट मिसिंग होता है तो वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है वर्ब मिसिंग होने की वजह से, और वो इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है. समटाइम्स सेंटेंसेस में दोनों पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, और समटाइम्स एक पार्ट ऑफ सेंटेंस इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है. सो क्लॉज जो है वो सब्जेक्ट वर्ब से मिलके बनता है. और ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनमें एक पार्ट ऑफ द सेंटेंस जो होता है वो इफ क्लॉज होता है, बिकॉज वो इफ से स्टार्ट होता है. सो थ्री कंडीशनल्स होते हैं, और जो फर्स्ट कंडीशनल होता है उसमें विल यूज होता है, जो सेकंड कंडीशनल होता है उसमें वुड यूज होता है, और जो थर्ड कंडीशनल होता है उसमें भी वुड यूज होता है. तो यहाँ पे ये आपको विल का यूज बता रहे हैं कि टाइप वन कंडीशनल सेंटेंस जो होता है उसमें विल यूज होता है. जब मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस एक्सप्लेन करूंगी तो उनके यूजेस भी आपको पता चल जाएंगे कि हम विल और सॉरी हम टाइप वन टू एंड थ्री किन सिचुएशन में यूज करते हैं. साशा विल गो हाइकिंग दिस सैटरडे इफ द वेदर इज गुड. सो विल यूज हो रहा है, और एक सिचुएशन, एक कंडीशनल बताई जा रही है कि अगर मौसम अच्छा होगा तो साशा जो है वो सैटरडे को हाइकिंग के लिए जाएंगे. सिनन विल पास द एग्जाम इफ शी स्टडीज वेल. ये आपका कंडीशनल फर्स्ट है जिसमें आप विल यूज करते हैं. वुड, वुड इज अ मॉडल हेल्पिंग वर्ब. आप वुड यूज करते हैं पास्ट टेंस में, और वुड जो है वो विल का पास्ट है, पास्ट फॉर्म है विल की. टोनी सेड ही वुड फिनिश द रिपोर्ट राइटिंग टास्क नेक्स्ट वीक. सो ही सेड दिस इन द पास्ट. उसने मुझे टोनी ने पास्ट में बताया था कुछ दिन पहले या कुछ आवर्स पहले या कल, दैट ही वुड फिनिश द रिपोर्ट राइटिंग टास्क नेक्स्ट वीक. सो बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट इसलिए हम यहाँ पे वुड यूज करें. टीना सेड शी वुड कॉल अस. Mary said she would call you. So she said all this in the past. So for that reason, मुझे उसने ये कहा था वो past में, मुझे तो मेरे सामने उसने ये बात की थी, लेकिन मैं उसके words को जो है अब उसने जो कहा था उसको मैं present में बता रही हूँ, because the action has happened in the past. She told me somewhere in the past. So for that reason, हम यहाँ पे would use करें. Type 2 conditional में आप would use करते हैं. If Anne knew the answers, she would win the game. टाइप थ्री कंडीशनल में भी वुड यूज होता है. इफ एना हैड टॉक्ड टू मी आई वुड हैव लिसन्ड टू हर. इनके जो यूजेस हैं वो मैं आपको फिर लेटर ऑन एक्सप्लेन करूंगी इन डिटेल. अच्छा जी, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें विल और वुड जो है वो दोनों यूज हो सकता है, और इट इज कंसिडर्ड पोलाइट टू यूज वुड. कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस या कुछ ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं जिसमें आपको लगता है कि आप विल भी यूज कर सकते हैं और आप वुड भी यूज कर सकते हैं, बट प्रेफरेबल इज वुड, बिकॉज वुड जो है वो ज्यादा पोलाइट इफेक्ट लेके आता है. वुड जो है वो ज्यादा यू नो एक सॉफ्ट, एक पोलाइट, एक अच्छा इफेक्ट लाता है. विल जो है वो आपको हार्श लगता है इन कंपैरिजन टू वुड. फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक सम जूस? Can I will swim in your pool? This tense is correct. No, this tense is not correct. Can जो है वो तो can और will दो modal auxiliary verbs आपने एक sentence में use कर लिए. या आपने can use करना है या आपने will use करना है. Will, अगर आप कहते हैं will I swim
इन योर पूल, तो आप तो अगले बंदे से पूछ रहे हैं ना कि क्या ऐसा होगा, क्या मैं आपके पूल में स्विम करूंगा या करूंगी। अगर आप कहते हैं कैन आई स्विम इन योर पूल, देन कैन जो है वो बेसिकली अबिलिटी के लिए यूज होता है, आई कैन डू दिस, आई कैन स्विम इन योर पूल, आई कैन राइट अ लेटर। तो वो क्वेश्चन में जब कन्वर्ट हो गया तो वो अबिलिटी है, अबिलिटी कैन जो है वो एक्चुअली अबिलिटी के लिए यूज होता है। यहाँ पे कैन जो है वो शो कर रहा है कि हम, मतलब यू आर आस्किंग समबडी, आपका जो स्ट्रक्चर है उसमें आपने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स दोनों कैन और विल एक साथ यूज किए, जो कि करेक्ट नहीं है। फ्यूचर के लिए आप विल यूज करेंगे, अबिलिटी शो करने के लिए आप कैन यूज करेंगे, और प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में मैं आपको बता दूंगी कि स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। ठीक है, आई होप मिस्टर हामिद इट इज क्लियर। सो वुड यू लाइक सम जूस, वुड जो है वो यहाँ पे आप यूज करें, किसी से बड़ा पोलाइटली पूछ रहे हैं कि क्या आप जूस पसंद करेंगे। अगर आप कहें विल यू लाइक सम जूस, सो विल इज ऑल्सो करेक्ट, बट विल इज नॉट वेरी यू नो पोलाइट। विल यूज करके एक मजा नहीं आता, वुड जो है वो एक बड़ा कंफर्टेबल और स्मूथ और पोलाइट एक्सप्रेशन है। थैंक यू मिस्टर हामिद, इट्स ग्रेट कि आपको समझ आ गया। It is burning hot in here. Would you mind turning on the electric fan? Would you mind turning on? Kya aap electric fan turn on kar denge? So aap ye bhi keh sakte hain, will you turn on the electric fan? There is no harm in saying that, but would jo hai, that is better. Would you like a piece of cake? So this is really polite. Kya aap kisi se pooch rahe hain bada soft tarike se ki aap piece of cake lenge? Of course. ऐसी सिचुएशन में जब आपको कोई पोलाइटली पूछे, सो यू डोंट से नो, यू से यस, आई एम रेडी फॉर द केक। नेक्स्ट इज शुड। अच्छा, शुड के साथ आपने कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं यूज करना, कोई प्रपोजिशन और नहीं यूज करनी। ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में अकेले आते हैं, और इनके साथ जो है आप कोई प्रपोजिशन इस तरह नहीं लगाते हैं, और ना ही आप इनके साथ जो है कोई और हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। शुड जो है, वी शुड गो होम नाउ, इट इज रियली लेट। जब शुड प्रेजेंट टेंस में यूज होगा तो उसके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, बेयर इन्फिनिटिव। वी शुड नॉट गो होम नाउ। सो शुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन जो है वो है शुडंट। शुड वी गो होम नाउ और शुड वी नॉट गो होम नाउ, ये आपका पॉजिटिव क्वेश्चन है और नेगेटिव क्वेश्चन है। दे शुड अरेंज अ मीटिंग टुमारो। अब आपका जो फ्यूचर टेंस है उसमें भी आपने शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। अब आप ये सोचोगे कि प्रेजेंट में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और फ्यूचर में भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, डिफरेंस कैसे पता चलता है? डिफरेंस आपका इन वर्ड से पता चलेगा, टुमारो, द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ। दे शुड अरेंज अ मीटिंग टुमारो। प्रेजेंट और फ्यूचर में आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। प्रेजेंट में आप नाउ यूज कर लेंगे, एट प्रेजेंट यूज कर लेंगे, टुडे यूज कर लेंगे, और फ्यूचर में आप जो है वर्ड्स ऐसे यूज करेंगे जो शो करेंगे कि ये आपका फ्यूचर टेंस है। शुड डज नॉट हैव एनी अदर टेंस फॉर्म। शुड का कोई और टेंस फॉर्म नहीं होती, शुड का कोई और शक्ल नहीं बनती, शुड जो है इट रिमेन्स शुड। और प्लीज इनके साथ आपने कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं करना, वॉज, वर, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, बी, बिन, being, ये कुछ भी यूज नहीं करना। ought to, the pronunciation is ought to। ये जो है एक पूरा complete model auxiliary verb है, semi model auxiliary verb है, क्योंकि इसके साथ to आता है। और आप किसी भी sentence में जब ought to use करेंगे तो to उसके साथ साथ रहेगा, क्योंकि ये आप इसको एक word consider करें। ought to is a complete model auxiliary verb और ये कभी to के बगैर नहीं आता, और इसके साथ कभी कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आता। क्वेश्चन सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, डोंट ऐड ऑक्सिलरी वर्ब्स। वी ऑट टू गो होम नाउ, अभी मैं आपको इसका यूज बताऊंगी क्योंकि ये कॉमनली जो है इसको यूज नहीं किया जाता। वी ऑट टू गो होम नाउ, ऑट वी टू गो होम नाउ, ऑट वी नॉट टू गो होम नाउ। सो जब आप इसको नॉर्मली बोलते हैं तो ये एक फ्लो में नहीं बोला जाता। ought to जो है वो एक कॉमन या इनफॉर्मल या डे टू डे रूटीन में यूज नहीं होता। इट इज अ फॉर्मल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब
that is used in formal situations. इसके साथ आपने अगर थर्ड पर्सन के साथ इसको लेके आना है, कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब थर्ड पर्सन के साथ आएगा तो वो चेंज नहीं होगा. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सारे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ रिमेन सेम, कहीं उसमें कोई चेंज नहीं आती. सो आई ऑट टू, वी ऑट टू, यू ऑट टू, ही शी इट ऑट टू एंड दे ऑट टू. नो चेंज इन एनी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. आप ought to और should जो है वो obligations के लिए use करते हैं और recommendations के लिए use करते हैं. आपने किसी obligation क्या होती है, फर्ज, कुछ फराइज होते हैं, उनको कोई important must, important बात है, तो आप obligation के लिए ought to और should use करते हैं. किसी को आपने कोई recommendation देनी है तो आप should use करते हैं. You're recommending something that this is what I believe, so you should do this. So for example, you should finish your work before you go home, and you ought to finish your work before you go home. One minute, please. Should जो है वो personal situations में use होता है, informal situations में use होता है, day to day routine में use होता है. आपने कोई अपनी personal opinion देनी होती है, if you think so, like अगर आप समझते हैं कि yes this is what I think, so I think you should go to your office tomorrow and talk to your boss. ठीक है. ought to जो है वो general obligation के लिए use होता है और वो commonly use नहीं होता. She should be here by now. Wonder where she is. So by now she should be here. Ought to is most used, mostly used in statements. It is formally used. इसका ये difference बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ought to है वो हमेशा affirmative या positive sentences में use होता है, common अगर आप उसको use करेंगे भी. तो वो statements जो होती हैं जो positive या affirmative होती हैं उनमें use होता है, लेकिन should जो है वो ज्यादा कॉमनली यूज होता है. वो स्टेटमेंट्स में भी यूज होता है, क्वेश्चन सेंटेंस में भी यूज होता है और नेगेटिव में भी यूज होता है, लेकिन ऑट टू जो है वो नहीं यूज होता. अब आप ये सेंटेंस बोलें खुद एंड यू विल सी दैट आर यू एबल टू स्पीक दीज वर्ड्स इन अ फ्लो. इज इट इजी फॉर यू? आई ऑट टू डू मोर एक्सरसाइजेस. ही ऑट नॉट टू स्पीक टू हिज मदर लाइक दैट. अब ऑट नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो है oughtn't. He oughtn't to speak to his mother like that. Ought she to call the police? Ought to, ought not to, oughtn't to. To जो है वो हमेशा ought के साथ रहता है. अब आप इसके साथ should use कर लें. I should do more exercise. He should not speak to his mother like that. He should not speak to his, he shouldn't speak to his mother like that. Should she call the police? तो शुड का जो यूज है वो बड़ा आसान है और वो हम डे टू डे रूटीन में यूज करते हैं. ought to जो है उसका आपको यूज पता होना चाहिए, बट इट इज ओनली यूज इन पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नो कॉमन यूज. कोई आउटसाइड अथॉरिटीज की रिकमेंडेशंस या एडवाइस अगर आपको मिल रही होती है तो आप उसको देखेंगे कि उसमें शुड यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, यू वेंट टू द पेट्रोल स्टेशन एंड वहां पे आपने अपनी जो कार है उसमें पेट्रोल फिल करवाने, सामने एक साइन लिखा हुआ है, यू शुड किल द मोटर बिफोर यू फिल अप द टैंक. सो दिस इज एन एडवाइस और दिस इज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम द अथॉरिटीज दैट व्हेन यू आर गेटिंग योर कार फिल्ड विद पेट्रोल, प्लीज किल द मोटर. किल द मोटर का मतलब है कि आप उसको इंजन जो है उसको ऑफ कर दें. ठीक है. Should or would जो है वो advice के लिए use होता है. I should leave early if I were you. I would leave early if I were you. तो आपने जब कोई advice देनी होती है तो आप should या would use करते हैं. If I were you जो है वो एक wishful thinking है. आप normally I के साथ was use करते हैं जो कि हमने structures use किए हैं, लेकिन अगर if आता है तो ये एक आपकी जिस तरह काश ये हो जाता, काश ऐसा होता तो ये हो जाता. तो ऐसी situation में आप कहते हैं if I were you. For example, if I say, if I were a bird, I would fly in the air. So, if I were, एक ख्वाहिश है जो कि कभी पूरी नहीं होती. ऐसी सिचुएशन में आप if I were expression जो है वो यूज करते हैं. Should or ought to plus perfect tense.
आप अगर परफेक्ट टेंस के साथ शुड और ऑट टू को यूज करेंगे तो वो बेसिकली आप पास्ट टेंस को शो कर रहे हैं. पास्ट टेंस में आप हमेशा परफेक्ट टेंस यूज करते हैं सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ. शुड हैव डन, ought to have done, past participle, we all know that past participle jo hai wo third form of verb hai. Acha ji, something that didn't happen in the past and we are sorry that it didn't happen. Koi aisa action jo ke past mein ho jata hai, hona tha us action ne past mein lekin wo hua nahi, aap chahte the ki wo action past mein ho jata और लेटर ऑन आप रिग्रेट करते हैं या आप सॉरी फील करते हैं कि ओह हो ये हुआ नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में आप शुड यूज करते हैं. एवरीबडी नोज दैट दिस इज अ बिजी रेस्टोरेंट, वी शुड हैव मेड अ रिजर्वेशन. तो हमें पता था कि ये जो रेस्टोरेंट है ये तो काफी बिजी होता है, तो हमें पहले ही रिजर्वेशन करवा लेनी चाहिए थी. सो एन एक्शन दैट कुड हैव हैपेंड अगर आप पहले उस पर एक्शन ले लेते, तो वो पास्ट में नहीं हुआ और लेटर ऑन यू फील सॉरी अबाउट इट, तो आप जो है वो शुड यूज करते हैं और ought to use करते हैं. यू शुड हैव कम टू मीट अस, शी शुडंट हैव कम टू मीट अस, यू ought to have come. सो समथिंग दैट डिड नॉट हैपन एंड यू विश दैट इट वुड हैव हैपेंड, तो आप ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे. अब कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको कोई गिफ्ट देता है और आप अंदर से तो बहुत खुश हैं, वाओ आई रिसीव्ड अ गिफ्ट, आई एम सो हैप्पी, ये इट्स माय बर्थडे एंड somebody has your friend or your family member or somebody in your office, your colleague has given you a gift and you are so happy. But ऊपर से जो है ना आप उनको कह रहे हैं ओह यू शुडंट हैव डन दिस, यू शुडंट हैव ब्रॉट दिस गिफ्ट फॉर मी. सो एन एक्सप्रेशन जो आप बोलते हैं लेकिन इनवर्डली आप नहीं उस पर, यू डोंट मीन इट, you don't want to say it, but just for the sake of formality aap kisi ko keh dete hain oh you shouldn't have done that, you shouldn't have given me this gift. jab aap kehte hain bhai aapne to ye kafi zyada kar diya, aise to nahi karna tha, to aisi situation mein aap jo hain ye expression use kar sakte hain. oh you shouldn't have done this, you shouldn't have brought this gift for me, you shouldn't have done so much for me. so aise situation mein aap ye use karte hain. अच्छा जी, एक्सपेक्टेशंस जब आपको होती हैं कि कुछ होना चाहिए या कुछ होगा तो आप यूज करते हैं इफ द फ्लाइट वाज ऑन टाइम ही शुड हैव अराइव्ड इन लंदन अर्ली दिस मॉर्निंग. कि अगर फ्लाइट जो है वो टाइम पे पहुंच जाती तो वो अर्ली मॉर्निंग ही लंदन में पहुंच जाता. ठीक है, इफ द फ्लाइट वॉज ऑन टाइम सो ही शुड हैव अराइव्ड इन लंदन अर्ली दिस मॉर्निंग. तो आप कोई एक्सपेक्टेशंस की सिचुएशन में जो है शुड यूज करें. शैल, इट इज यूज्ड टू मेक अ सजेशन. आपने कोई सजेशन देनी है तो आप शैल यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल, शैल वी प्ले पियानो, शैल आई गो नाउ. शैल इज आल्सो यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशन इन फॉर्मल सिचुएशन. यू शैल ओबे रूल्स, स्टूडेंट शैल नॉट सिट इन दिस हॉल. सो फॉर्मल सिचुएशन में आप शैल यूज करते हैं कोई ऑब्लिगेशन बताने के लिए, और आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो फिर आप शैल यूज करते हैं. अब ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल जो है जब वो फर्स्ट पर्सन के साथ आता है तो वो क्या शो करता है, वो एक पॉसिबिलिटी शो करता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, और सर्टेनिटी ऑफ एन एक्शन शो करता है जो कि फ्यूचर में होनी है. कोई भी एक्शन जो कि फ्यूचर में होना होता है उसकी सर्टेनिटी शो करने के लिए आप मॉडल ऑक्सिलरी शैल यूज करते हैं. वी शैल लीव फॉर शिकागो टुमारो, आई शैल बी 40 इयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंथ. सो सर्टेनिटी पॉसिबिलिटी शो करने के लिए फर्स्ट पर्सन के साथ. शैल जो है वो डिटर्मिनेशन को भी एक्सप्रेस करता है. व्हेन यू आर डिटर्मिंड अबाउट समथिंग एंड यू वॉन्ट द अदर पर्सन टू डू इट, या फिर आपने खुद करना हो, यू शैल अपोलोजाइज. तो अगला बंदा जो है उसने तो इन एनी केस अपोलोजाइज करना है. सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ जब शैल यूज होता है तो वो कमांड में आ जाता है. यू शैल नॉट लाई, शी शैल ओबे माई ऑर्डर्स. फिर अगर सेकेंड या थर्ड पर्सन के साथ समटाइम्स शैल यूज होता है तो वो थ्रेट के लिए यूज होता है. यू शैल रिग्रेट दिस, ही शैल पे फॉर द डैमेज. थ्रेट, धमकी.
सो ऐसी सिचुएशंस में आप डिफरेंट सेंटेंसेस में इसको यूज कर सकते हैं. दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब समझ आ गए हैं. अगर कहीं पे आपको कोई कंफ्यूजन है, कहीं पे कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, सो यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई एम गोइंग टू आंसर यू. राइट, इन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स को रिवाइज करें. और एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फर्स्ट रीडिंग में या फर्स्ट सेशन में बहुत से पॉइंट्स होते हैं जो कि समझ नहीं आते, बल्कि कुछ भी समझ नहीं आता. इट टेक्स टाइम. फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल दीज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. फॉर प्रैक्टिस व्हाट यू हैव टू डू इज दैट यू हैव टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड यू हैव टू मेक एज मेनी एग्जाम्पल्स. सर्च ऑन द इंटरनेट के इनकी और क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, उनको यूज करें, डेली रूटीन में यूज करना शुरू करें इनको. So only with practice, only with the use, you will be able to have a command on these modal auxiliaries. So that is all for now. Take very good care of yourself, everybody. And I'm going to see you tomorrow, inshallah. Allah Hafiz.